नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। श्रीदेवी की हमशक्ल का नाम दीपाली चौधरी है, जो एक ब्लॉगर है। दीपाली हूबहू श्रीदेवी की तरह दिखती है और हमें यकीन है कि उनके फोटोज और वीडियोस देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इंस्टाग्राम पर जैसे ही लोगों ने दीपाली के फोटोज और वीडियोस देखे, वो तेजी से वायरल हो गए। जी हाँ, आपको बता दें, इंटरनेट की दुनिया में आपको कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स के हमशक्ल मिल जाएंगे। सेलेब्स के हमशक्ल के वीडियोस और फोटोज आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल रहते हैं। अब बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस और डीवा श्रीदेवी की हमशक्ल के वीडियोस इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं। दीपाली के वीडियोस और एक्टिंग स्किल्स देखकर फैंस काफी खुश हैं। फैंस उन्हें श्रीदेवी की कॉपी बता रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा है कि बिल्कुल श्रीदेवी की तरह। एक दूसरे यूजर ने वीडियो पर कमेंट करके लिखा, गुस्से में श्रीदेवी और भी अच्छी लगती हैं। जी हाँ, आपको बता दें, एक अन्य यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, सुपर मैम श्रीदेवी। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि बहुत बढ़िया श्रीदेवी जी। श्रीदेवी की हमशक्ल का नाम दीपाली चौधरी है, जो एक ब्लॉगर है। दीपाली हूबहू श्रीदेवी की तरह दिखती है और हमें यकीन है कि उनके फोटोज और वीडियोस देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इंस्टाग्राम पर जैसे ही लोगों ने दीपाली की फोटोज और वीडियोस देखे, वो तेजी से वायरल हो गए। इंस्टाग्राम पर उनके 30.2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वे अक्सर ही श्रीदेवी के फिल्मों के सीन्स पर लिप सिंक करते हुए अपने वीडियोस शेयर करती हैं। दीपाली अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम वीडियोस में श्रीदेवी की फिल्म लाडला 1994 के सीन पर एक्टिंग करते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में दीपाली रेड कलर की आउटफिट में देखी जा सकती हैं। उन्होंने ड्रेस के साथ रेड पर्ल नेक पीस और गोल्डन इयर रिंग्स भी कैरी किए हुए हैं। वीडियो में दीपाली का लुक और अंदाज बिल्कुल श्रीदेवी की ही तरह है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जितने भी यूजर्स हैं, उन लोगों ने श्रीदेवी की तरह दिखने वाली इस दीपाली चौधरी का जो स्वागत किया है, वो स्वागत सच में बिल्कुल श्रीदेवी के जैसा ही है। अब आप खुद ही देखिए इन वीडियोस के जरिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL। इसी तरह तुम बसें छोड़ती रही तो कहीं तुम्हारी नौकरी ना छूट जाए। कल का प्रोडक्शन 50 टर्म्स के बदले 49 टर्म। स्कूल के बच्चों की तरह मुझे एक्सक्यूज मत दिया करो। अगर 5 मजदूर नहीं आए थे तो दूसरे 5 मजदूरों से ओवरटाइम क्यों नहीं करवाया? और तुम लोग ये मत भूलो कि ये हिंदुस्तान की नंबर 1 फैक्ट्री है और मुझे ये फैक्ट्री दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है, अपने माँ बाप से भी ज्यादा। और इसकी पोजिशन डाउन करने वाले को मैं हरगिज माफ नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? You better understand.